एक वक्त था महंगाई पर पूरे देश में हल्ला मच जाया करता था, भारत बंद होता था, संसद में हंगामा होने लगता था। एक वक्त आज का, तेल 100 रुपए लीटर हो जाता है, गैस 3 महीने में 200 रुपए महंगी हो जाती है, दूध के दाम बढ़ने की आशंका खड़ी रहती है सामने, रेल में 10 रुपए का टिकट 30 रुपए का हो जाता है, प्याज जब मर्जी तब 50 से 60 रुपए के आंसू रुलाता है, लेकिन महंगाई पर सब शांति शांति। नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। और आज के दस्तक में आपको पूछना है दस्तक देकर, महंगाई क्यों सिर्फ विपक्ष में रहते हुए ही दिखाई पड़ती है? दस्तक देकर आपको देखना है बेरोजगारी कब तक ट्रेंड करती रहेगी। और तीसरी दस्तक देंगे गोडसे के पुजारी से हाथ मिलाने वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस की खबर पर, क्या कांग्रेस की जुबान पर बापू, बगल में गोडसे। तो शुरू करते हैं आम आदमी से जुड़ी सीधी दस्तक के साथ। शास्त्रों में कहा गया आत्मा अजर है, अमर है, जिसे ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई आग जला सकती है, आत्मा को ना पानी भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है। आधुनिक दौर में महंगाई वो आत्मा बन चुकी है जो अजर होने लगी है, अमर होने लगी है। महंगाई को सरकारी नीतियों का शस्त्र काट नहीं पाता, ना सरकारी फैसले का पानी उसे भिगो पाता है, ना हवा सुखा पाती है। क्या महंगाई को स्वीकार करने के सिवा और कोई रास्ता जनता के पास नहीं है? दस्तक देनी इसलिए बहुत जरूरी है। जो आज सत्ता में है वो 8 साल पहले विपक्ष में रहते सिलेंडर के साथ महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। जो 8 साल पहले सत्ताधारी थे वो अब विपक्ष में रहकर सिलेंडर पर बैठकर महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरते हैं। बीच में रह जाती है जनता, जो पहले की कमाई में भी महंगाई से हाथ जलाती थी, जो अब भी महंगे सिलेंडर से निकली गैस पर रोटी पकाती है। क्योंकि फरवरी महीने में ही 4 तारीख को 25 रुपए, 15 फरवरी को 50 रुपए और 25 तारीख को 25 रुपए की महंगाई से गैस सब्सिडी का सिलेंडर भारी हो गया। 3 महीने में सिलेंडर के दाम 200 रुपए ज्यादा हो गए। और आम आदमी महंगाई को न्यू नॉर्मल मानकर ईमानदारी से महंगा सिलेंडर भराकर खामोशी के साथ देख रहा है सियासत में महंगाई के मुद्दा रूपी आत्मा को एक दल से दूसरे दल में अवतरित होते हुए। अभी अभी LPG के रेट्स को बढ़ाया गया है, 11 रुपए 42 पैसे से अब LPG के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। आने वाले वक्त में और आज भी इन सिलेंडर का यही यूज है, इसमें गैस भराने की तो हम लोगों की हैसियत अब है नहीं, जिस तरह से गैस के दाम बढ़ रहे हैं, आज फिर 25 रुपए बढ़ गया है। महंगाई की गैस पर पके खाने को खाकर आम आदमी जब घर से अपनी कार और बाइक लेकर पेट्रोल पंप पहुंचता है तो पाता है कि तेल की महंगाई भी उसी के स्वागत में लगभग रोज सुबह 6 बजे भाव खाती है। जनता को तो हवा भी नहीं लगी कि महंगाई का नाम बदलकर विकास देने वाली ऊर्जा रख दिया गया है, और कब महंगा पेट्रोल डीजल भराने वाले आम आदमी को विकास के लिए महंगाई का भार उठाने वाला सेनानी घोषित कर दिया गया। आम आदमी तो देख रहा है बस चुपचाप अपनी जेब ढीली करके महंगाई के बेताल को सत्ता के विक्रमों के एक कंधे से दूसरे कंधे पर जाते हुए, और विपक्ष के महंगाई प्रेम को। तभी तो विपक्ष में रहते रविशंकर प्रसाद साइकिल चलाकर पटना में UPA का विरोध करते थे, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो केंद्र में विपक्ष में है वो कार छोड़कर इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाते हुए महंगाई का मुद्दा उठाती है। और आम आदमी महंगाई से 7 फेरों की अरेंज मैरिज मानकर चुपचाप फरवरी महीने में ही 25 दिन के भीतर 15 बार उछलकर 4 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर महंगे हो चुके पेट्रोल और 5 रुपए महंगे हो चुके डीजल को अपने जीवन का हिस्सा बना चुका है। क्योंकि आम आदमी के दिल से लेकर जेब तक की बात घर कर चुकी है, महंगाई सिर्फ सत्ता रूपी शरीर बदलती है, कभी मरती नहीं। देश के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि 100 दिन में महंगाई पर वो नियंत्रण पाएंगे और अपने वादे को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर देश की जनता किस प्रकार से भरोसा कर सकती है? जो थेथराई और जो बेशर्मी मोदी सरकार दिखा रही है उसकी जितनी निंदा करी जाए कम है। पेट्रोल 100 के पार है, डीजल में उछाल है। लेकिन आम आदमी इस राजनीति से कहीं दूर सुबह उठकर जब ब्रश करता है ना, तब भी महंगाई के बारे में नहीं सोच पाता। घर के किचन में जब अभी 60 रुपए किलो खरीद कर आया प्याज काटता है, तब महंगाई के आंसू चुपचाप आम आदमी पी लेता है, उफ भी नहीं करता। चाय में दूध डालता है तो अपना डर छिपा कर रखता है।
आशंका है दूध भी महंगा हो सकता है और सीमित आय वाला आम आदमी अब जब पैसेंजर ट्रेन में एक्सप्रेस ट्रेन का महंगा टिकट खरीदने को मजबूर हुआ तब भी चुपचाप सह ले रहा है। अब ऑब्वियस सा बात है, आप देखिए अगर तरीके से देखिएगा तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका जो इनकम है कम हो, ना ही वो सेंटर हो या वो स्टेट हो। देखो जी, नुकसान तो हुआ, आम आदमी की जेब पे भार तो पड़ा ही है इससे, अब इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे आप हाथ में तो है ना। इसीलिए आम आदमी का नाम बदल कर अब सरकारों को परम संतोषी रख देना चाहिए। रेल किराए की महंगाई पर आम आदमी मान लेगा कि घर से कम निकलो कोरोना फैलता है, तेल की महंगाई पर मान बैठेगा मत भराओ टंकी में पेट्रोल डीजल प्रदूषण कम होगा, एलपीजी की महंगाई पर यह कहना पड़ेगा चलो डाइट कर लेते हैं मोटापा कम होगा, और प्याज की महंगाई पर मान लेगा कम खाओ सात्विक बनकर देख लो। इस बीच ये खबर जरूर आई है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा तेल गैस के दाम कंट्रोल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कदम उठाएं, जनता को राहत दें। अब ये कब होगा, इस सवाल के साथ जनता पूछती है क्या तब तक महंगाई यानी इन्फ्लेशन को न्यू जनरेशन मान लिया जाए। आज तक ब्यूरो। महंगाई सीधे अब तुरंत इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि किस्तों में आती है, 25-25 पैसे करके बढ़ती है, लेकिन कब रुपए 2 रुपया नहीं बल्कि 5-7 रुपए से लेकर 100-200 रुपए का रूप ले लेती है, हवा नहीं लगती। पर कितना असर डालती है इसका एक गणित हमने आज आपके लिए निकाला है। जहां जनवरी 2018 में पेट्रोल का दाम 71.06 रुपए प्रति लीटर था, अब 25 फरवरी को पेट्रोल का रेट औसत 90 रुपए प्रति लीटर हो चुका। अब अगर दिल्ली में एक आम आदमी एक महीने में 50 लीटर पेट्रोल खर्च करता है तो जनवरी 2018 में जिसका एक महीने में तेल पर खर्चा 3,553 रुपए आ रहा था, उसी आम आदमी को अब उतना ही पेट्रोल डलवाने में 4,500 रुपए देने पड़े, यानी एक महीने में ही 947 रुपए का भार उस आदमी के ऊपर आ चुका है। यह एक उदाहरण दिया जिससे सीधे सीधे करीब 950 रुपया जेब से महंगाई की कैंची काट ले रही। अभी इसमें एलपीजी, प्याज और चीजों की महंगाई नहीं जोड़ी गई है, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को अपील करनी पड़ी है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर तुरंत महंगाई की आग पर राहत का पानी छिड़के। ममता बनर्जी जिस तरह इलेक्ट्रिक स्कूटी गिरते संभलते चलाकर पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रही हैं, समझ लीजिए इसी स्कूटी जैसी हालत आम आदमी की है। जिसे महंगाई कभी इधर हिलाती है कभी उधर, और जिस तरह ममता की स्कूटी को चारों तरफ से सुरक्षा कर्मियों ने संभाला है, ठीक इसी तरह सियासत के हाथों महंगाई का मुद्दा चल रहा है। আমি এই গ্রিন কার্ড ব্যাটারি কাড়িয়ে এলাম, মানে স্কুটারে এলপিজি গ্যাসের দাম, পেট্রোল ডিজেল, কৃষকদের ড্রাকোনিয়ান ল সব মিলিয়ে মোদি সরকারের এই দেশটাকে মোদি সরকার বেচে দিচ্ছে। আমি জানি না কবে হয়তো দেশের নামটাও বদলে দেবে। ভেরি সরি, ভেরি আনফর্চুনেট থিং। ममता बनर्जी गई तो थी अपने मंत्री के पीछे बैटरी वाली स्कूटी पर बैठकर, मुंह पर मास्क लगाए, गले में सवाल की राजनीति का पोस्टर टांगे जिस पर लिखा था आपके मुंह में क्या है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, डीजल की कीमत बढ़ाना और गैस की कीमत बढ़ाना। दरअसल तेल पर ममता ने खुद अपने राज्य के खजाने में आने वाले टैक्स में 1 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर रखी है, इसलिए वो अब केंद्र के पाले में टैक्स घटाने की गेंद फेंक चुकी है। ये बात भी सही है, कुछ हिस्सा उसमें टैक्स भी इकट्ठा किया जाता है, केवल भारत सरकार टैक्स नहीं कलेक्शन करती है। माननीय सोनिया गांधी जी की जो दल की शासन राज्य में सबसे ज्यादा टैक्स है, वो राजस्थान हो महाराष्ट्र हो। सच्चाई यही है कि केंद्र अगर पेट्रोल पर करीब 33 रुपए और डीजल पर 31 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लेता है तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी 36% टैक्स तेल पर जनता से ही वसूलती है। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने कहा केंद्र और राज्य की सरकारें तेल के दाम घटाने के लिए संयुक्त प्रयास करें, क्योंकि तेल की महंगाई का असर सिर्फ स्कूटर कार चलाने वालों पर नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग और खाद्य पदार्थों को लाने ले जाने में ट्रांसपोर्ट की महंगाई भी बढ़ रही है। अब यहाँ दो रास्ते हैं, पहला रास्ता सरकारी टैक्स घटाएं और दूसरा तेल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। तो देश के पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं
जीएसटी काउंसिल बनी है, उन्हीं की जिम्मेदारी है जीएसटी में इसको लाने के लिए। पेट्रोलियम इंडस्ट्री की ओर से हम पहले दिन से इसकी अनुरोध करते आ रहे हैं जीएसटी काउंसिल को, आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट को धीरे धीरे जीएसटी में ले आएंगे तो इस सेक्टर की ग्रोथ भी और होगा और ग्राहकों को उसमें फायदा मिलेगा। सब दल चाहते हैं कि जीएसटी के दायरे में तेल आ जाए, तो देरी क्यों है जबकि देश के 17 राज्यों में एनडीए की सरकार है और 5 राज्यों में यूपीए की। फिर भी जीएसटी के दायरे में तेल को लाने की सुगबुगाहट भी नजर नहीं आती है। आज तक ब्यूरो। डीजल और पेट्रोल की महंगाई आम आदमी के सुकून को ट्रोल कर रही है, तो बेरोजगारों का मुद्दा लगातार ट्रेंड कर रहा है। आज भी हैशटैग मोदी जी रोजगार दो के साथ लाखों लोगों ने ट्वीट किया। यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार के युवाओं की खबरें लगातार दस्तक में दिखाने के बाद यह बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार की मांग को ट्रेंड कराने वाले लोग कौन है और इसकी जरूरत उन्हें क्यों पड़ रही है, इसकी वजह को हमने पता किया। एक बेरोजगार देश में वो होते हैं जो धरना देते रहते हैं, धरना देते हुए अपनी मांग रखते हैं और फिर पुलिस की लाठी भी खाते हैं। ऐसे ही बेरोजगार जब प्रयागराज में लटकी हुई भर्तियों को जल्द पूरा करने की मांग लेकर धरने पर बैठे, पुलिस आई, उठाकर हिरासत में ले गई। लेकिन जब देश में अलग अलग जगहों पर बेरोजगार यूं ही उठाए जाते दिखे, हिरासत में लिए जाते दिखे और लाठी खाते दिखे, तो बेरोजगारों ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई, रोजगार दो ट्रेंड करा के, दिन भर अपने अपने मुद्दे उठा के। तब इस मुद्दे पर हमने खोजा अभिनय शर्मा को, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मैथ्स पढ़ाते हैं अभिनय। ये उन लोगों में से एक है जिन्होंने सोशल मीडिया पर बेरोजगारी ट्रेंड कराने की योजना बनाई। हर बार कोर्ट केस में वो भर्ती 2 साल तक फंसी रहती है, फिर फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाता है, बच्चा अगले साल की तैयारी में लग जाता है, फिर अगले साल वही इशू आ जाता है। तो अब की बार जो हम ये चला रहे हैं कैंपेन, इसका तो हमारा सीधा मतलब है रोजगार दो से कि अब इस पे फाइनल बात होगी। अब बहुत सितम सरकार ने ढाली है, अब हमारा ये आखिरी है कि अब हम सरकार की कोई बात नहीं सुनने वाले जब तक कि वो ये चीजें खत्म नहीं कर देते, लिखित में नहीं दे देते कि अब हम इसके लिए ये कदम उठा रहे हैं। देखिए हर सरकार, कोई भी सरकार हो, उनका मैनिफेस्टो में ये दे देंगे हम इतने रोजगार देंगे, तो अब अगर कोई ये कहेगा भी ना तो हम कहेंगे आपकी प्लानिंग क्या है। दरअसल 2019 में एसएससी की सीजीएल परीक्षा हो या देश के दूसरे राज्यों में चयन आयोगों की तरफ से कराए गए भर्ती एग्जाम, परीक्षा कराने में ही इतनी खामियां होती हैं कि भर्तियां लटकी रह जाती हैं और बेरोजगार नौजवान धरना आंदोलन लाठी खाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। आज तक ब्यूरो। और विचार तब क्या पीछे रह जाते हैं जब जिताऊ उम्मीदवार सामने दिखने लगता है, इस सवाल की दस्तक आज मध्य प्रदेश से उठी जब बीजेपी को गोडसे की पार्टी बताने वाली कांग्रेस ने बापू के हत्यारे नाथुराम गोडसे की आरती उतारने वाले नेता को गुलदस्ता देकर अपना हिस्सा बना लिया। गोडसे का पुजारी कांग्रेस की सवारी, ये अपराधी से घृणा नहीं होती, अपराध से। जिस नेता के इलाके में महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथुराम गोडसे का देश का इकलौता मंदिर हो, जो नेता खुद नाथुराम गोडसे की आरती उतारता रहा हो, जब ऐसे गोडसे की पुजारी रहे ग्वालियर में हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस में गुलदस्ता देकर स्वागत किया, तो सवाल उठाना जरूरी हुआ, क्या विचारधारा राजनीति में वो हाथी दांत है जो दिखाने की और खाने की और होती है। गोडसे का पुजारी अब कांग्रेस की सवारी, और कांग्रेस का कभी कोई रुक नहीं जाता है। कांग्रेस परिस्थिति जन्य पार्टी है, परिस्थितियों के अनुसार से वो अपना रुख अपनाती है। वो महात्मा गांधी के भक्त कभी, वो सोपोल्ड गांधी जो लोग थे उन सोपोल्ड गांधियों के हिसाब से चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस की विचारधारा को जो आत्मसात करता है वो महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा परोधर्म की भावना को जगाता है। अपराध से नफरत है, अपराधी से नहीं। तो बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में आके क्या साफ सुथरे हो गए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि अपराधी से घृणा नहीं होती, अपराध से। ग्वालियर नगर निगम में वार्ड नंबर 44 के पार्षद बाबूलाल चौरसिया दावा है कि पहले कांग्रेस में ही थे, बाद में हिंदू महासभा में चले गए, और जब गए तो ये तस्वीरें सामने आई थी जिसमें 15 नवंबर 2017 को अपने ही इलाके में बने गोडसे की मंदिर की
जब पूजा हो रही थी, टीका लगाया जा रहा था, तो चौरसिया जी भी दिए की थाली हाथ में लेकर बापू के हत्यारे गोडसे को पूज रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस में आते ही हृदय परिवर्तन हो गया। वो मेरे लिए काला दिन था भाई साहब, मेरे को अंधेरे में रखा गया जो है, आपको बता दूं। नहीं, मूर्ति रखी है तो मुझे ये नहीं मालूम था किसकी मूर्ति है ये। वो तो क्या, दो आदमी जैसे अगर वहाँ कोई पूजा करके गए और वो मुझे धक्का देके जाइए अब, तो वो मैंने उस पर जल चढ़ा दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। राजनीति में ऐसा हृदय परिवर्तन तभी होता है जब चुनाव नजदीक होते हैं और तब जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में विचारों को गोली मार दी जाती है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, पार्टी विचारधारा से लड़ती है और यही हमारे देश के नेता हमेशा से कहते आए। लेकिन चुनाव के पास कैसे नेताओं के दल बदलने की होड़ मचती है, इसका एक आंकड़ा भी आज आपको देखना चाहिए। लोकनीति सीएसडीएस की रिसर्च के मुताबिक 2017 से 2020 तक पद पर रहते हुए 168 सांसदों विधायकों ने दल बदल लिया। दल बदल करने वालों में 82% यानी 138 सांसद विधायकों ने पार्टी बदली तो सीधे बीजेपी को चुना। बीजेपी में जाने वालों में सबसे ज्यादा 79 या कहिए कि इस आंकड़े के 57% नेता कांग्रेस के रहे। हम क्यों कह रहे हैं कि चुनाव आते ही सबसे ज्यादा दल बदल नेता करते हैं, इसका सबूत यह है कि 2019 में जब देश में चुनावी साल था तब सबसे ज्यादा 78 सांसद विधायकों ने अपना पाला बदल लिया। और अब बात उस खबर की जानकारी आपको दे देते हैं जिसने मुंबई में आज खतरे की बड़ी आशंका वाली दस्तक दे दी। मुंबई के पेडर रोड पर मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास एक संदिग्ध स्कॉर्पियो एसयूवी बरामद हुई जिसके भीतर विस्फोट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जिलेटिन की 20 छड़ें मिली। इसके फौरन बाद बम स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, एंटी टेररिज्म स्क्वाड के लोग मुकेश अंबानी के घर के पास पहुंचे। मुंबई क्राइम ब्रांच और एटीएस की टीम अब जांच कर रही है कि कहीं इसका कोई आतंकी लिंक तो नहीं है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास एक संदिग्ध गाड़ी मिलती है और उसमें करीब 20 से ज्यादा जिलेटिन स्टिक्स मिली। इसके अलावा कुछ नंबर प्लेट्स भी इसी गाड़ी में मिले थे, जिन नंबर प्लेट्स का नंबर मुकेश अंबानी की जो सिक्योरिटी डिटेल है उनसे मैच खाता था। इसीलिए अब आगे की इन्वेस्टिगेशन मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है, जबकि यहाँ पर एटीएस के अफसर भी मौजूद हैं, लोकल पुलिस के अफसर भी यहाँ पर मौजूद हैं और वरिष्ठ पुलिस अफसर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है, उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है, जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएगी। तो देश के कई हिस्सों में फिर से बढ़ते कोरोना केस और साथ ही साथ अब निजी अस्पतालों में भी कोविड वैक्सीन की सुविधा, इन दो अहम मसलों को लेकर बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, हमारे मन में भी हैं और उन्हीं का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर गुलेरिया, स्वागत है आपका आज तक पर एक बार फिर से। नमस्कार डॉक्टर साहब, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि अब जब सरकार ने यह कह दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी वैक्सीन दे सकेंगे तो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो टीका लगवाने के लिए रजिस्टर कैसे करेंगे, उन्हें पता कैसे लगेगा कि कब कहां उनको टीका लगवाना है। तो टीका लगवाने के लिए कोविन ऐप भी है और इसको फिर आस्ता आस्ता आरोग्य सेतु के साथ भी जोड़ा जाएगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि आपका नाम उस लिस्ट में है या नहीं है, क्योंकि जो भी वोटिंग आईडी वोटर की जो लिस्ट है, इलेक्टोरल रोल की लिस्ट है, उनसे नाम लेके उसमें डाले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपका नाम नहीं है तो आप अपना फोटो, कोई भी फोटो आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसके माध्यम से उसको अपना डेटा अपलोड कर सकते हो और आपका भी नाम रजिस्टर हो जाएगा और आपको अपने मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आएगा। आप फिर अपनी वैक्सीनेशन की साइट जो आपके घर के पास है उसको चुन सकते हो, वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती है, और उसके लिए टाइम अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो कि किस दिन किस समय आप जाके वैक्सीन लगाना चाहते हो। और मान लीजिए आप टेक सेवी नहीं है और ये नहीं कर सकते हो तो आप अपना आधार कार्ड, फोटो आईडी कार्ड लेके किसी भी वैक्सीनेशन साइट पे जा सकते हैं,
वहां पे वॉक इन की भी सुविधा है, और वहां पे जब आप पहुंचेंगे तो वो आपके पूरे कागज को की छानबीन होगी और उसका डेटा फिर वो आप कोविन ऐप में अपलोड किया जाएगा और आपको वहां पे वैक्सीन लगाई जाएगी। तो इसलिए यूजर फ्रेंडली ये ज्यादा हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ी एक एफर्ट होगा क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को हमें जितना जल्दी हो वैक्सीनेट करना है। तो डॉक्टर साहब एक चीज तो आपने बता दी, किसी के पास स्मार्टफोन ना हो वो लोग भी जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और वैक्सीनेशन के लिए क्यू में आ सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों को क्या अपनी सेहत से जुड़े कोई सर्टिफिकेट्स भी लेकर जाने होंगे अपने पहचान पत्र के अलावा? अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो इसमें इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोमॉर्बिडिटी है या नहीं है, आप ऑटोमेटिकली आपकी एज के हिसाब से आपको टीका लगाया जाएगा। अगर आपकी उम्र 45 से ज्यादा है और आप 60 साल से कम है, तो अभी तक जो हमारा उसमें जो कोविड जो सरकार ने प्लान बताया है उसमें यही है कि आपको एक अपना सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपको कोमॉर्बिडिटी है, क्योंकि पहले चरण में उनको वैक्सीन दी जाएगी। अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आप कोई दवाइयां ऐसी ले रहे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो, आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, या आपको कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जिससे आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, उसकी पूरी एक पेज की लिस्ट है, उससे आप उसका एक सर्टिफिकेट लेके आप भी टीकाकरण में शामिल हो सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब कहाँ का मान्य होगा? किसी सरकारी अस्पताल का मान्य होगा, फैमिली डॉक्टर का मान्य होगा, जिनसे भी इलाज करा रहे हैं उनका मान्य होगा? किसी भी मेडिकल जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, सरकारी हॉस्पिटल में हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या क्लिनिक में हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हो, उनका सर्टिफिकेट जो है वो भी इसमें चल जाएगा और वो सिर्फ उनको एक सर्टिफिकेट लेना है और अपना जो आई कार्ड है वो उसको लेके वो भी जैसे और लोग कर रहे हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर करके वैक्सीन लगा सकते। तो ये लोगों का अपना चॉइस है कि वो सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं या प्राइवेट अस्पताल में, या सरकार तय करेगी? ये उनके अपनी चॉइस है। आपके घर के पास जो भी अस्पताल है जो वैक्सीनेशन के लिए आगे आते हैं, पीएमजेके हो सकते हैं, सीजीएचएस अप्रूव्ड हॉस्पिटल हो सकते हैं, या और जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो आगे आते हैं उनमें आप जाके वैक्सीन लगा सकते हैं। सरकारी अस्पताल में अगर आप लगाएंगे तो वैक्सीनेशन फ्री है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाएंगे तो उसका कुछ चार्ज होगा जो अभी सरकार तय करेगी कि कितना सर्विस चार्ज होगा। जैसे जब हमने टेस्टिंग शुरू की थी, जब सरकार ने टेस्टिंग शुरू की थी कोविड के टाइम में, तो भी एक कैप लगाया था कि अगर आपने कोविड का टेस्ट कराना है तो गवर्नमेंट सेक्टर में फ्री है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपका इतने से ज्यादा पैसे नहीं ले सकते। उसी टाइप का एक कैप लगेगा जो वैक्सीन का कॉस्ट है। एक तारीख से वैक्सीन लगनी है, अब सिर्फ 3-4 दिन का इंतजार और है, तब तक क्या ये चीज साफ हो जाएगी कि कितना दाम होगा इस वैक्सीनेशन का, और क्या टीके की कॉस्ट और वैक्सीन लगाने की कॉस्ट दोनों मिला के एक दाम तय किया जाएगा? मेरा तो यही मानना है कि एक दो दिन में पूरी तरह से ये तय किया जाएगा, और इसमें जो टीके की कॉस्ट है वो तो लगभग 300 रुपए की है, जो सीरम इंस्टीट्यूट और दूसरी भारत बायोटेक की तरफ से है। उसमें थोड़ा सा और चार्जेस लगेगा जो हॉस्पिटल के लिए अपना जो सर्विस चार्जेस हैं, इंजेक्शन के चार्जेस और नीडल के चार्जेस हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ओवरऑल कॉस्ट जो है टीके का बहुत ज्यादा नहीं होगा और ये आम आदमी के लिए इतना महंगा नहीं पड़ेगा। कुछ अनुमान आप दे सकते हैं, हालांकि आपने कहा कि 300 रुपए का टीका है, फिर भी कुछ अनुमान आप दे सकते हैं, कुछ डिस्कशंस जो चल रहे हैं इसके इर्द गिर्द के, कितने तक का ये हो सकता है? ये तो कहना मुश्किल है। ये हो सकता है कि इससे अगर 300 का है तो 100-150 रुपए ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका ये तो तय सरकार ही करेगी कि कितना वो है, क्योंकि ये तो कॉस्टिंग पे डिपेंड करेगा कि वो पूरा कॉस्टिंग करके और निगोशिएट करके कितना प्राइस बनता है, प्राइवेट सेक्टर कितने प्राइस पे विलिंग है, उस पे डिसाइड होगा। क्या ये भी चॉइस टीका लगवाने वाले की होगी कि वो किस कंपनी का टीका लगवाना चाहता है? ये अभी मुश्किल रहेगा क्योंकि एक सेंटर पे एक ही टाइप का टीका होगा, क्योंकि दो दफा टीका लगना है, तो इसमें मिक्सिंग अप नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हर एक साइट में एक ही टाइप का टीका जो है एक ही कंपनी का होगा, तो उस साइट में आपको वही टीका लगेगा, इसलिए ये चूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी हमें ये समझना चाहिए कि हम ये देख रहे हैं कि डिमांड कितनी है और कैपेसिटी कितनी है। अभी डिमांड ज्यादा होगी, कैपेसिटी थोड़ी सी कम है। जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी और वैक्सीन भी इस हमारे वैक्सीन
प्रोग्राम में आएंगी, जैसे स्पुटनिक वैक्सीन है जो अब जिन्होंने उन्होंने भी इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी में। तो जैसे जैसे ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमारी जो डिमांड है वो और जो कैपेसिटी है वो मिल जाएंगी कि जितनी वैक्सीन हम बना रहे हैं कि जो भी डिमांड हो उसको हम मीट कर सकते हैं, फिर जो लोग वैक्सीनेट के लिए आगे आएंगे वो चूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा ये मानना है कि हमें जो वैक्सीन मिल रही है वो लगा लेनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी स्थिति बिगड़ने नहीं देनी। और केसेस हम देख रहे हैं कई जगह बढ़ रहे हैं और इस ये एक चिंता का विषय है, इसलिए अभी जितने ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाए उससे ये हम स्पाइक को रोक पाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा डॉक्टर साहब, अभी कुछ वक्त पहले विवाद भी हुआ, एक राज्य की सरकार ने यहाँ कह दिया कि हम जो देसी वैक्सीन है उस पर उतना भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उसका डेटा अभी तक सामने आया नहीं है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ये एक विकट स्थिति हो सकती है कि व्यक्ति अस्पताल पहुंच जाए, वैक्सीनेशन कराना चाहता हो लेकिन उसे पसंद का वैक्सीन ना मिल रहा हो जबकि वो पैसे भी देने को तैयार है? इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कि डेटा ऑलरेडी है, लैंसेट और अच्छे पीयर रिव्यूड जर्नल में डेटा पब्लिश्ड है, सेफ्टी में कोई लोगों को परेशानी नहीं है, 25,000 से ज्यादा लोगों को ट्रायल में वैक्सीन लग चुका है उस कंपनी का और कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। दूसरा डेटा जो इम्यूनोजेनिसिटी का है कि वैक्सीन कितनी एंटीबॉडीज बनाता है उसका बहुत अच्छा डेटा है, उसमें 92% के करीब इम्यूनोजेनिसिटी है फॉलोअप में। इसलिए ये कहना कि डेटा नहीं है ये बात सही नहीं होगी। दूसरा ये है कि हम जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ये कहें कि आप चूज करें और फिर वैक्सीन लगेगी तो हमारे पास इतने वैक्सीन डोजेस होने चाहिए जो हम ये कहें कि हमारे पास चॉइस है। पैंडेमिक में ऐसी सिचुएशन अभी नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों की जान बचे, केसेस ना बढ़े, इन्फेक्शन आगे ना फैले। तो वैक्सीन लगाना अपने लिए सेफ्टी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है लेकिन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएंगे तभी वो जो बीमारी का फैलना हम रोक पाएंगे और पैंडेमिक में केसेस कम कर पाएंगे। ये बहुत बुरा होगा कि अगर हमारे पास वैक्सीन भी हो लेकिन लोग वैक्सीन ना लगाएं, उसके कारण केसेस भी बढ़े और लोगों की डेथ भी हो, तो ये तो हमारे देश के लिए एक बहुत बुरी चीज होगी। वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए आपने बताया कि वो सीधे जा सकते हैं, क्या ये सर्टिफिकेट जो इशू होगा वो हार्ड कॉपी दी जाएगी अस्पताल से, सेंटर से, या फिर वो ऐप से ही डाउनलोड करना पड़ेगा या वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा किसी? दोनों चीजें हैं, वैक्सीन का QR कोड होके आपको आपके फोन पे भी आ सकता है लेकिन आप उसका प्रिंटआउट भी ले सकते हैं और वैक्सीनेशन साइट में जैसे आपको दूसरा टीका लग जाएगा आपको आपका एक प्रिंटआउट मिल जाएगा जिसमें QR कोड भी होगा और हार्ड कॉपी भी आप ले सकते हैं जो आप अपने पास संभाल के रख सकते हैं क्योंकि बाद में इसका बहुत ज्यादा यूज हो सकता है, जैसे हम ट्रैवल के लिए कहें कि वैक्सीन पासपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। वैक्सीन लगने के बाद कितने दिन तक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित मान सकता है? वैक्सीन लगने के बाद 2 हफ्ते और वेट करना चाहिए क्योंकि 2 हफ्ते और लगते हैं कि आपके पूरी तरह से एंटीबॉडीज बने और आप सुरक्षित हों। लेकिन जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हमें 2 चीजें समझनी चाहिए, वैक्सीन हमें कितनी सुरक्षा देता है और हमारे आसपास के लोगों को कितनी सुरक्षा देता है। अभी तक हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो हमें सीरियस बीमारी नहीं होगी, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, आईसीयू एडमिशन नहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है कि कुछ लोगों में जब उनको कोविड से एक्सपोजर होगा और उनको वैक्सीन लग चुकी है तो बड़ा माइल्ड सा इन्फेक्शन हो या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो तो उनको कुछ नहीं होगा लेकिन वो कुछ टाइम के लिए इन्फेक्शस हो सकते हैं और आसपास में और लोगों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसलिए हम यही कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, वो हमें करते रहना चाहिए क्योंकि उससे हम और लोगों को बचा सकते हैं जब तक सब लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगता। डॉक्टर साहब, अभी तक जिन लोगों को वैक्सीन लगा उसमें ज्यादातर जो पहले राउंड के लोग थे वो मेडिकल सेक्टर के लोग थे जो आमतौर पर भी वैक्सीनेशन के बाद की परिस्थितियों से वाकिफ होते हैं। अब जब जिनका नंबर आ रहा है वो बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं, उनके लिए एक बार ये बता दें कि वैक्सीनेशन के बाद क्या क्या परिस्थिति आ सकती है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, बुखार हो सकता है, कोई इन्फेक्शन और कुछ हो सकता है या कुछ सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए चिंतित होना है या नहीं होना, और होना है तो कितना होना? अभी तक तो बहुत ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है और उसमें बुजुर्ग लोग भी हैं क्योंकि कई हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो बुजुर्ग हैं, उनको भी इंजेक्शन लग चुका है। मेरे पिताजी हैं वो डॉक्टर हैं, उनको भी वैक्सीन लग चुका है, वो 93 इयर्स के एज के हैं उनको, तो इसलिए कई ओल्डर एज ग्रुप लोगों ने भी वैक्सीन लगाया है। लेकिन ये आपकी बात सही है कि लोग क्योंकि अब ले पब्लिक को लग रहा है तो वो थोड़ा चिंता करते हैं। पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है,
कुछ हद तक लोगों को माइल्ड से रिएक्शन हो सकता है, जैसे जहां पे टीका लगा वहां पे दर्द हुआ, एक दिन के लिए थोड़ा बुखार हुआ या हरारत सी हुई, शरीर में दर्दें हुई, उससे घबराना नहीं है। वो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो रहा है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, इसलिए ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपके बॉडी में रिएक्शन है, कि आप एंटीबॉडीज बन रहे हैं। कुछ लोगों को इंजेक्शन के बाद कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, और इसलिए हम सारे वैक्सीनेशन साइट्स में हर एक व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा वहां रहना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के लिए, और वहां उस साइट में एलर्जी के लिए पूरी दवाइयां का इंतजाम किया गया है, जैसे एलर्जी का टीका लगाना हुआ या और दवाई देनी हो, तो ये रिएक्शन जो है कुछ लोगों में हो सकता है। यूजली आधे घंटे तक अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सिर्फ ये जो मैंने कहा बुखार, बॉडी एक्स या टीके के साइड पे थोड़ा एक दो दिन के लिए दर्द, वो कुछ लोगों को हो सकता है, वो भी अपने आप दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा। अगर घर आकर किसी को कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो क्या वो वापस उसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जा सकते हैं जहां से वैक्सीनेशन हुआ था? बिल्कुल, वहां जा सकते हैं, वहां डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, और कोविन ऐप में एक हेल्पलाइन भी है जो 24/7 एक्टिव है, तो हेल्पलाइन के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा चिंता हो तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके वहां पे अपना चेकअप भी करा सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि महाराष्ट्र में खास तौर पर या केरल में जिस तरीके की परिस्थिति एक बार फिर से दिखने लगी है, जिसके बाद अब राज्यों को फिर गाइडलाइंस जारी करनी पड़ रही है कि आप आरटीपीसीआर टेस्ट करा के आएंगे, आपकी जांच होनी चाहिए, लोगों के मन में सवाल है कि वैक्सीन है भारत के पास, वो दुनिया को दे रहा है, तो पहले महाराष्ट्र में या उन राज्यों में क्यों नहीं लोगों को लगा दिया जाता जहां केसेस ज्यादा आ रहे हैं? तो ये शुरुआत हो रही है 1 मार्च से, कि जहां जहां पे लोग हैं, जहां केसेस हो रहे हैं, वहां पे हम और एग्रेसिवली वैक्सीनेशन शुरू करें, ले पब्लिक में भी, ये हाई रिस्क ग्रुप में भी। और मेरा मानना है कि आस्ता आस्ता जब ये सब जगह पे रोल आउट होगी तभी जाके ये पैंडेमिक और हम अपने देश में कंट्रोल कर पाएंगे। एक एरिया में करने से पूरी तरह से फायदा नहीं होगा, क्योंकि मान लो हम एक क्षेत्र में करते हैं लेकिन लोग तो वहां से ट्रैवल करते हैं, मुंबई से तो लोग हर दुनिया देश के हर एक भाग में जाते हैं, तो वो फिर इन्फेक्शन और जगह भी लेके जाएंगे, तो अगर एक जगह कंट्रोल भी कर लें तो दूसरी जगह एकदम स्पाइक हो सकता है। इसलिए वैक्सीनेशन जो ड्राइव है नेशनल लेवल पे होना चाहिए और सब लोगों को आगे आके टीका लगाना चाहिए। टीके के अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बहुत जरूरी है। आज की तारीख में जो नए केसेस आ रहे हैं डॉक्टर साहब, उनको लेकर आप कुछ नया पैटर्न, कुछ नई जानकारी देख रहे हैं जो पहले नहीं थी, क्या ये ज्यादा चिंताजनक है या कम चिंताजनक है? चिंता का विषय तो है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि केसेस बढ़े, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन हमने देखा है कि दुनिया में कई देश ऐसे हैं कि उनकी स्थिति इंप्रूव हुई और फिर एकदम बिगड़ गई, तो हमें पूरे प्रयत्न करने चाहिए कि हमारी स्थिति जो है वो बिगड़े नहीं। धन्यवाद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आज तक पर आने के लिए, और लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना के इस नए वेव को लेकर बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों को आपने एड्रेस किया, उनके जवाब दिए, आसानी से समझाया, उसके लिए धन्यवाद आपका।